बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। मींस कि ये दो स्विचेस आपके पास, ये जो आपके सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसका ये है कि ये दो स्विच लगे हुए हैं। इन दो स्विच के साथ हमारे पास पीसीज अटैच हैं, हर स्विच के साथ दो पीसी अटैच हैं, और ये दोनों स्विच किसके साथ अटैच हैं? राउटर के साथ। और हमने पैकेट सेंड कहाँ से करना है? ये वाले पीसी से, थर्ड पीसी पे या फोर्थ पीसी पे, ठीक है। अगर ये राउटर ना लगा होता, यहाँ पे ये दो हब होते, ऊपर स्विच लगा होता, तो मसला ही कोई नहीं था, आराम से पैकेट सेंड हो जाना था। लेकिन यहाँ पे राउटर लगा हुआ है तो राउटर को आईपी भी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन या राउटर की आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। तो चलें इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर पर हम काम करते हैं जाके, इसका ये चलेगा किस तरह, इसकी सारी कन्फिग्रेशन देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक राउटर चाहिए होगा, ठीक है। ये मैंने राउटर ले लिया, पहले ही आपने ले लेना 1841 वाला। उसके बाद आपने जाना स्विचेस पे, पहले दो आपने स्विच ले लेने हैं कि ये वाला और सेकंड ये, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था कि दो पीसी इसके साथ अटैच थे इस स्विच के साथ, और दो ही इसके साथ अटैच थे सेकंड स्विच के साथ, ये हमने कर लिए। अब आपने इनको कनेक्ट करना है आपस में, तो कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्शंस पे जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपने, आपके पास ये जो कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर है, इसको सेलेक्ट करना है। आपने पहले पीसी पे जाना है, फास्ट इथरनेट ज़ीरो, और स्विच के साथ कनेक्ट कर दें ये फर्स्ट पे 0/1 पे। इसी तरह सेकंड पे जाना है आपने, फास्ट इथरनेट ज़ीरो, और स्विच को आपने कनेक्ट करना है 0/2 के, ठीक है। इसी तरह आपने ये बाकी कर लेने हैं 0/1। वायर आप यही चूज़ करें, उसके बाद 0/2। अब दोनों स्विचेस को आपने अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यही वायर हम लेते हैं 3 पे और 0 इस साइड पे, आपने ये 0/3 और 0/1, ठीक है। अब ये तो काम हो गया हमारा कनेक्शन का, ये हमने कनेक्ट कर लिया अपने पीसीज को स्विच के साथ, स्विच को राउटर के साथ। अब इनको काम आया हमारा आईपी असाइन करने का। नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पीसी को आईपी देते हैं हम। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, उसके बाद आपने आईपी एड्रेस पे जाना है। आईपी एड्रेस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आईपी देनी है 0.0.1, और इसी तरह पीसी टू पे आप गए, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, उसकी 1 थी इसकी 2 दे दें 10.0.0.2। इसी तरह आप इस पे गए, इसकी आईपी आप कोई और दे दें, या आप उन्हीं में से आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन हम इस तरह करते हैं समझाने के लिए। 192.168.1.1 इसकी 1 है, तो इसकी हम क्या कर देते हैं 192.168.1.2। ये आईपीज़ तो आ गई हमारे पास किसकी, ये पीसीज़ की, 4 पीसीज़ के हमने आईपी लिख लिया। उसके बाद क्या करना है आपने, अब ये देखें कि ये स्विच से राउटर पे, ये दोनों साइडों पे ये रेड आ रहा है। रेड का मतलब ये है कि अभी ये कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, राउटर पे आपने क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है, फास्ट इथरनेट 0 पे जाना है। इधर जाके जो इस साइड पे आपने आईपीज़ लिखी थी ना, उनमें से आप, इधर हमने 1 और 2 लिखी थी, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे 10.0.0.3, ठीक है। यहाँ पे गए, और इसके बाद आपने इसको ऑन कर देना है, पोर्ट स्टेटस जो है आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो उधर जाके देखेंगे ग्रीन हो चुका है, ठीक है। फिर दोबारा से इस पर क्लिक करें, पहले 0 पे 0/0 पे किया था, अब फास्ट इथरनेट 0/1 पे आप क्लिक करेंगे। अब दूसरी साइड की आईपी हमने क्या लिखी थी, 192.168.1.1.2 तक था, और ये इसको हम 3 तक कर देते हैं। सबनेट मास्क भी लगा दिया, इसको भी आपने ऑन कर देना। जैसे ही ऑन करेंगे इसका भी ग्रीन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब इस पर हमने राउटर पे 2 आईपी लगाई हैं, एक इस साइड की एक इस साइड की, ठीक है। अब जो इस साइड की लगाई थी उसको क्या करना है, पीसी पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आपने जाके वो वाली आईपी लगानी है जो आपने ऊपर दी थी राउटर को, 10.0.0.3, ठीक है। इधर से जाकर ख़त्म करें। अब दूसरे पीसी को भी आपने उसी तरह ही आईपी देनी है 10.0.0.3,
इसको भी ख़त्म करें। अब थर्ड पीसी पर जाएं, अब जो दूसरी साइड पे आईपी दी थी वो क्या थी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, 10.0 ये थी 192.168.1.3। इसी तरह ही आपने इसको भी वही आईपी दे देनी है। इधर गए आप, ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब पीसी पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं चेक करने के लिए क्या ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर सही हुआ होगा तो यहाँ पर ही आपको बता देगा। अभी जो हमने थर्ड पीसी को क्या आईपी दी थी, 192.168.1.1 यही थी, और साथ ही आप एंटर दबा दें। अभी देखें जी, पहला हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आया, ये आप भी करेंगे आपका भी इसी तरह ही आएगा। और बाकी टोटल हमारे कितने पैकेट सेंड हुए थे, 4, रिसीव कितने हुए, 3, लॉस कितना हुआ, 1 का। जब सेकंड टाइम आप करेंगे, चलिए सेकंड टाइम भी करके आपको दिखाता हूँ, पिंग 192.168.1.2। अब इस टाइम हम नेक्स्ट आईपी देते हैं नेक्स्ट पीसी की। अभी देखें जी, सेम उसी तरह ये चलेगा, ठीक है। ये आप करें, आप खुद ट्राई करें, सेम इसी तरह ही आपका भी चलेगा। तो ये थी जी हमारी आईपी, ये इसकी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट पे किया, अभी आपको पैकेट सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ से पैकेट पे जाना है, पहले पीसी पे, यहाँ से थर्ड पे, उसके बाद आप सिमुलेशन मोड पे जाएंगे, ऑटो कैप्चर प्ले कर देंगे। अब देखेंगे इसकी वर्किंग हो किस तरह रही है। ये पैकेट जाएगा इस पे राउटर पे, राउटर से जाएगा इस स्विच पे, और स्विच से जाएगा हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये वाला हमारी डेस्टिनेशन था, ठीक है। अब इस पे आएगा, अब इधर से ये इसने सारा वापस जाना है, फिर हमें पता चलेगा कि ये काम जो प्रोसेस हुआ है। ये लास्ट स्टेटस इधर देखें, इन प्रोग्रेस, इधर आपको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। अभी जब ये अपने सोर्स पे पहुंचेगा जहाँ से हमने पैकेट भेजा था, फिर पता चलेगा। तो अभी देखना आपके इधर सक्सेसफुल आ जाएगा कि हमारी ये कन्फिग्रेशन हो चुकी है। ये देखें जी, सक्सेसफुल आ चुका है, और इधर भी देखें टिक का निशान आपको इधर भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारी ये जो हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की है, ये सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। तो ये आसान सा काम था, आप खुद भी ट्राई करें। तो उम्मीद है कि समझ आई होगी, खुद ट्राई करेंगे तो ज़रा अच्छी से आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की इसमें से समझ ना आई हो तो मैसेज करें आप कमेंट बॉक्स में, तो उसका भी रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।